अब खबर आ रही है भिवंडी से। बता दें कि भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ तो रही है, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी कुछ कम नहीं है, वो भी लगातार बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर में आज 48 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, वहीं पर ग्रामीण इलाके से 103 मरीज जो है वो ठीक होकर घर लौटे हैं। हालांकि 11 मरीज जो है भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाके से आज कोरोना से मृत्यु हुआ है उनका, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो 151 मरीज जो है वो ठीक होकर घर लौटे, ये बहुत बड़ी बात है। भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाके से अगर देखा जाए तो 124 मरीज आज पॉजिटिव पाए गए थे, और भिवंडी शहर से 51 मरीज और भिवंडी ग्रामीण इलाके से 73 मरीज जो है पॉजिटिव मिले हैं। पूरा आंकड़ा हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम जान लें कि कौन से मरीज कहां पर पाए गए थे। भिवंडी के शहर इलाके में अगर हम बात करें तो नवी बस्ती आरोग्य केंद्र इलाके से 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और भाग्यनगर आरोग्य केंद्र इलाके से 5 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं पर अंजुर फाटा कार्यक्षेत्र इलाके से जो आरोग्य केंद्र है वहाँ से 1 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। आजमी नगर आरोग्य केंद्र इलाके से 5 मरीज, संगम पाड़ा आरोग्य केंद्र इलाके से 10 मरीज, गैबी नगर आरोग्य केंद्र इलाके से 1, मिल्लत नगर आरोग्य केंद्र इलाके से 1, और कामत घर यहाँ पर कुछ मरीजों की संख्या ज़्यादा है। हम आपको बता दें कि 15 मरीज वहाँ से पाए गए हैं। औचित पाड़ा कार्यक्षेत्र इलाके से आरोग्य केंद्र इलाके से 4 मरीज पाए गए हैं। वहीं भंडारी कंपाउंड कार्यक्षेत्र इलाके से आरोग्य केंद्र इलाके से 2 मरीज मिले हैं, जबकि आज के दिन में अगर देखा जाए तो भिवंडी शहर से 51 मरीज पाए गए, जिसमें 36 पुरुष और 15 महिलाओं का समावेश है। हम आपको बता दें ग्रामीण इलाके का अगर बात करें तो ग्रामीण इलाके में मरीजों की संख्या आज जो बढ़ी है वो 73 मरीज वहाँ से पाए गए हैं, और जिसमें अगर देखा जाए आरोग्य केंद्र इलाके का नाम तो हम आपको बता दें खारगो कार्यक्षेत्र आरोग्य केंद्र इलाके से 22 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें केवनी दिवे, काले, राहनाल, कशेली, वडुनगर, पूर्णा जैसे गांव का नाम है। कोन गांव से भी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए गए, 25 मरीज वहां से मिले हैं, जिसमें कोन, सरौली, पिंपलास, राजनोली, पिंपलघर, सावत, सरौली जैसे गांवों का नाम है। अनगांव अगर देखा जाए तो वहां से 3 मरीज मिले हैं, चिम्बीपाड़ा इलाके से 3 मरीज मिले हैं, कोशिम्बे, वापरदेव पाड़ा वहाँ पे से, ये सब गाँव का नाम है, लाखीउली, काम्बे इत्यादि गाँव का नाम है। हम आपको बता दें कि दिवा अंजूर कार्यक्षेत्र इलाके से भी 15 मरीज पाए गए हैं, पड़गा कार्यक्षेत्र इलाके से 1 मरीज, वज्रसूरी कार्यक्षेत्र इलाके से 3 मरीज, दाभाड़ कार्यक्षेत्र इलाके से 3। यानी कि अगर देखा जाए तो गुंदौली, वेहले, अंजूर, सुरई, दड़पाड़ा, अंबाड़ी, पालकने, ये सब गांवों से जो है बड़ी संख्या में आज कोरोना के मरीज पाए गए हैं, लेकिन ठीक होने वालों के मरीजों की संख्या भी उतनी ही बड़ी है, जो खुशी की बात है। हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर और ग्रामीण का जो पूरा आंकड़ा है, आज तक जो मरीज पाए गए हैं भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाके से 4,241 मरीज अब तक पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें ठीक होने वालों की संख्या भी बड़ी है। हम आपको बता दें कि 50% लोग जो है वो ठीक होकर घर लौटे हैं, 2,018 मरीज जो है वो ठीक होकर घर लौटे हैं। मृत्यु का आंकड़ा भी कुछ कम नहीं है। हम आपको बता दें कि 183 मरीज अब तक कोरोना से मृत्यु हुए हैं। वहीं उपचार ले रहे मरीजों की संख्या है 2,040। यानी कि अगर सही में अगर बात किया जाए तो मरीजों की संख्या जो ठीक होने की है वो भी अब तेजी से बढ़ रही है। भिवंडी से आशीष राजभर की रिपोर्ट, स्पीड न्यूज। ताज़ा खबरें देखने के लिए करिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। देखते रहिए स्पीड न्यूज।